क्या हुआ, क्यों क्यों मार रहा है उसको? बचपन में पढ़े थे, अभी तक याद है? नहीं याद है। ठीक था, क्या हुआ, दुखी क्यों है? दुखी? I'm like so happy। कैसा गया पेपर? बढ़िया था। हिंदी का पेपर? हिंदी था, सेट 2 था मेरा और अच्छा था। तो लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा होता है उसका हिंदी बढ़िया नहीं होता। नहीं नहीं, मेरा तो जो शुरू से पढ़ रहा है उसका अच्छा रहेगा। अच्छा, मेरा आपका बढ़िया है। तो आ आई जानते हैं? हाँ बोलिए ना। आ आई ई छोटी ऊ बड़ी ऊ ए ऐ अन अ थोड़ा गलत है, डर रहे, डर रहे। गलत है, गलत है। आ ई ई आपके दोस्त नहीं बता पा रहे जबकि वो बेसिक है। हाँ आपको आता है? हाँ आता है। बताइए ना। आ आ ई ई ऊ बड़ी ऊ छोटी अन ए ए ओ आ। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनका हिंदी एकदम जीरो होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस बोलने आता है और कुछ नहीं, नहीं हाँ लिखने में थोड़ा सा हिंदी अच्छा है। हाँ हिंदी स्वर जानती हैं? किसे कहते हैं किसे? वो अ आ ई ई वो सब जो होता है ना, 11 स्वर वर्ण होता है और बाकी सारा व्यंजन होता है अ से लेके मतलब अ आ ई ई ऊ सब ये सब स्वर। हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी नहीं आती है। ऐसा नहीं है, आती है। झूठ है, झूठ है। तो आ ई याद है बचपन में पढ़े थे? हाँ बोलिए। वो नहीं बता पा रहे, नहीं बता पा रहे वो तो नहीं नहीं आ रहा। मैडम बताएंगे क्या? मैं बताओ। आ ई तो बचपन में पढ़े, नहीं आ रहे तुम्हें? मतलब ऐसे नॉर्मल हिंदी जो अभी जो हम लोग अ आ छोटी ई बड़ी इस तरह से तो याद होगा ना? हाँ मतलब अ आ ई मतलब एवरीथिंग मतलब सब थी याद ही है। क्या मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पेपर बहुत अच्छा गया मैम, फेस दिखाइए, बहुत क्यूट लग रहे हैं। इधर आ जाइए। टेंथ का एग्जाम खत्म हो गया? यस मैम। खुश है? आईटी बाकी है अभी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस बाकी है। खुश तो मैम, एग्जाम्स तो होते ही रहते हैं। हिंदी पढ़ के आए थे? हाँ सब पढ़े थे, पढ़ के आए थे। तो डर लगता है हिंदी में? हिंदी तो वीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स में डर लगता है, थोड़ा बक्स प्रेजेंटेशन अच्छा आ जाएगी तो बोर्ड्स में मार्क्स आ जाएगा। बचपन में पढ़े थे अभी तक याद है? नहीं याद है। नहीं याद है? नहीं याद। कैसा गया पेपर? पेपर बहुत अच्छा गया मैम, पेपर में कोई कमी नहीं था, पेपर इजी आया था, जो हम लोग को सेट मिला था जो पढ़ के गए थे वही आया। हिंदी अच्छा है? हाँ हिंदी अच्छा। पढ़ने में कैसा लगता है, इंटरेस्ट आता है? हाँ मैम पढ़ने में अच्छा लगता है, मातृभाषा है, मन में जो फीलिंग होता है उसको आप हिंदी में ज्यादा अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं जितना भी अंग्रेजी आ जाए। आपके आपके क्लास के जितने बच्चे हैं कोई अ आ ई ई नहीं बता पाए जो हम लोग बचपन में पढ़े थे? क्या करिएगा मैडम, आजकल सबको अंग्रेजी से ज्यादा लगाव हो गया। जब आपको लगाव है हिंदी से? हाँ मैडम है। आपको याद है? हाँ मैम। बोलिए। अब बोलने में क्या, बड़ी गर्मी लग रहा है मैडम, बाद में बोलिए ना, बोलिए ना। अभी आई कुछ होता है, इसको दीजिए, चलिए आप बोलिए मैडम। हिंदी उतना खास कुछ अच्छा आई अ आ ई ई ऊ ऊ ए ए औ औ अंग अ। गलत। एक के उधर री होगा। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो होते हैं वो उनमें क्या बोलते हैं, मात्राएं होती हैं, पर जो व्यंजन होते हैं उनकी मात्राएं नहीं होती हैं। वाह ये सही बोली। कैसा गया पेपर? एक नंबर, एकदम मस्त, एकदम मस्त। गर्दा उड़ान कर दी दीदी, इतना लिखे ना, इतना बोले 40 में 42 दे दो बच्चा को, पंडित जी खुश हो जाएंगे हिंदी वाले चेक कर करके पेपर कि लड़का हो तो ऐसा हो। जय भारत माता, इतना हिंदी लिखे हैं कि एग्जाम में पढ़े। चूरा है, टीका चूरा है तो हिंदू धर्म है दीदी। एक बात बताइए हिंदी पढ़ने में मजा आता है? हिंदी पढ़ने में मजा आता है, लिखने में मजा नहीं आता दीदी। लिखवाता है ना मास्टर साहब? मास्टर साहब लिखवाता है, लिखवाता है, यानी पढ़ने में मजा आता है, लिखने में नहीं। नहीं दीदी, बचपन में हम लोग क ख ग घ और अ आ ई। दीदी चलिए बस आ गया दीदी, प्रणाम। बताइए ना, आई भारत माता की जय। भारत माता की अ आ ई याद है? नहीं नहीं याद है। आपको याद है अ आ ई? प्रणाम दीदी। अच्छा आप तो तेज लग रहे हैं, चश्मा लगा है? चश्मा लगाने वाला हर बच्चा तेज थोड़ी होता है। यस यस तेज नहीं है, यू आर राइट। देखिए बात ये है ना कि हिंदी का एग्जाम है, गर्मी भी बहुत हो रहा है। क्या हुआ, क्यों क्यों मार रहा है उसको? बोल दिया ना भाई।